Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Aaj hum hai Hounslow Jamia Masjid mein. Hounslow Jamia Masjid sirf ek masjid hi nahi hai. Ye ek community center bhi hai aur yahan par ek primary school bhi run kiya jata hai jiska naam hai Al Safa Primary School. जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स भी हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है यहाँ पे. जो इस वक्त क्योंकि मगरिब का टाइम है और जो है लोग काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं तो इसकी वजह से ये देखिए फुल है रमज़ान का महीने में. ये मस्जिद के एंट्रेंस में जब हम एंटर होते हैं तो ये एक छोटी सी एक स्टॉल सा है, टक शॉप सी है जिसमें वो दही भले बेच रहे हैं, कॉर्न बेच रहे हैं और स्वीट कॉर्न बेच रहे हैं और साथ ये स्लश भी और साथ स्वीट्स आ रहे हैं और प्राइजेस इनकी बहुत नॉमिनल सी हैं और यहाँ पे जूते वगैरह हैं. मॉस में एंटर होने से पहले यहाँ पर शूज़ उतारने पड़ते हैं, शेल्फ भी हैं जो उसके बाद ये फिर हम अंदर जाते हैं. ये मेन है इनका एंट्रेंस. यहाँ पे देखें लेडीज़ का टॉयलेट भी है और यहाँ पर आप अंदर हाथ हैंड वॉश करें, किसी ने वजू करना है यहाँ पे भी कर सकते हैं. लेडीज़ का टॉयलेट है, यहाँ पे पानी का भी है, वाटर डिस्पेंसर है. ये असर के दौरान हो रही है और ये देखें ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमज़ान यहाँ पर डेली अफ्तारी और सहरी सर्व की जाती है और ब्रदर्स और सिस्टर्स का जो दौरा सेक्शन है वो सेपरेट है. आज मस्जिद में तीन डिफरेंट अफ्तारीज ऑर्गेनाइज की गई हैं, ब्रदर्स के लिए सेपरेट, जो लेडीज़ हैं उनके लिए सेपरेट और जो वेरियस मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हैं उनके लिए कम्युनिटी अफ्तारी सेपरेट. किसी ने फितराना वगैरह देना होगा तो वो यहाँ पे फितराना दे सकता है और ये और भी सिर्फ मस्जिद का सिर्फ नमाज नहीं है, इनकी कम्युनिटी भी है और ये और भी बहुत सी सर्विसेज करते हैं आउटरीच की. बाहर बच्चों की फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस हो रही है तो चले चल के हम देखते हैं. जी यहाँ पर मस्जिद में आप देखिए यहाँ पे बच्चों की क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है. यहाँ पे देखिए ये इनकी टीम है और ये क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये देखिए ना बच्चों के सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं साथ साथ उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देते हैं. और ये पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये लिटिल सफ़ा है, ये अल सफ़ा प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर और उसका ये जो है ये नर्सरी है. बच्चों वन बाय वन वाओ टर्न करें, वन बाय वन ये लोग टर्न ले रहे हैं. अब हम दोबारा मस्जिद के अंदर आ गए तो ये इनका लेडीज़ का ऊपर सेक्शन आता है तो हम ये ऊपर जा रहे हैं. ये और सिर्फ ये यहाँ पर मस्जिद नहीं है, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी है और इस प्राइमरी स्कूल को का नाम है अल सफ़ा प्राइमरी स्कूल जहाँ पे जो बच्चों को है प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन दी जाती है. इसके साथ साथ उनको इस्लामिक स्टडी भी पढ़ाई जाती है और कुरान की क्लासेस भी दी जाती हैं. अब हम ये ऊपर वाले सेक्शन के मेन हॉल की तरफ जा रहे हैं जो हमें प्रेयर रूम की साइड पे लेके जाता है. यहाँ पे लेडीज़ का टॉयलेट है, यहाँ पर बच्चे अभी क्लास यहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे हैं. ये देखिए जी ये यहाँ पर ईद की डेकोरेशन हुई है, बहुत नाइसली डेकोरेटेड है ईद की. ये देखिए Friday is the best day among us the weekdays. यहाँ पर ये लेडीज़ का प्रेयर एरिया है, यहाँ पे लेडीज जो है ये प्रेयर करती हैं. उन्होंने चेयर्स भी रखी हुई हैं उन लेडीज़ के लिए कि जो बैठ के नहीं पढ़ सकती तो उनके लिए चेयर्स पे बैठने का उन्होंने इंतज़ाम किया. जी अस्सलाम वालेकुम.
ये हंसलो जामिया मोस्क में मैं पिछले लाइक 15 ईयर से यहाँ पे आ रही हूँ और माशाल्लाह से लास्ट 6 ईयर से मेरे बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ते हैं और बस बच्चों का था कि आज इफ्तारी के लिए हम रुकेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं इफ्तारी के लिए, फ्रूट शरबत एवरीथिंग होता है, सब कम्युनिटी से लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, एक गेट टुगेदर हो जाता है, अच्छा लगता है जब आप अपने लोगों से मिलते हैं। बच्चों के लिए फूड वगैरह, उसके अलावा यहाँ पे बच्चे वैसे इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आते हैं, कुरान क्लासेस के लिए आते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं ना मदरसा, ये फुटबॉल और उनकी, हाँ जी सब एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, समर क्लब्स, हाँ वो आपको नीचे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये है कि मोस्टली चार्जेस आपकी फीस में भी इंक्लूड होते हैं। हाँ जी, तो जैसे ये माशाल्लाह मेरा बेटा है। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है आपका बेटा? अहद। अहद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I'm studying the same class में। कौन सी ईयर में? I'm year 4 में। Year 4 में, wow, so soon you will be in high school. Okay, thank you very much. JazakAllah sister, Allah. लेडीज के सेक्शन में उन्होंने ये देखिए दस्तरखान लगा रहे हैं और क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है और ये जो काम कर रहे हैं सारे, ये सारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पर ये इफ्तारी के लिए सामान लाना शुरू हो गए, ये डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हैं। हेलो 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 हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजाल है जी, मैं यहाँ लेडीज को फूड सर्व करती हूँ। अच्छा, अभी आज बिजी है मस्जिद बहुत, तो हमने लेडीज के लिए ना ऊपर, अच्छा वॉलंटियर, अच्छा तो ये वॉलंटियर लिए जी। अच्छा, तो यहाँ पे आज हमने औरतों का अरेंज किया है। ओके थैंक यू वेरी मच। और ये हाँ जी ये है और इसके बाद भी खाना सेपरेट होगा? खाना साथ होता है, साथ ही सब कुछ इकट्ठा होता है, सब कुछ इकट्ठा होता है, मतलब लेडीज का और साथ होता है बच्चे और जेंट्स का सेपरेट होता है। ओके थैंक यू वेरी मच, टू मच बिजी। ओके थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या क्या नाम है आपका? माय नेम इज सरूरिन। I've been coming to this mosque for many years. I've known Mr Shafiq and Islamic for many years. And it's good that we're bringing the community together and different people from the community. I help out every Friday for Jummah, help collect donations. And I just think it's a good idea that people should just get more involved in their masjid. Okay. Because a lot of people, they ignore and reject their masjids, but they should be helping them. Exactly. Do anything for the youngsters? Yeah. So Uncle Shafiq recently had boxing being put in. We have cricket at the back. We have different activities. Yeah, I just covered that cricket. So yeah. We've got boxing that is downstairs. Quran classes, recitations, a lot of stuff for the youngsters, keep them busy. Sure. So can I also join this community iftar? Of course. या आई कम इन अ मल्टी एथनिक कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए ही इन्होंने ये अफ्तारी का इंतज़ाम किया है। पर उन्होंने ड्रिंक्स रखे हुए हैं, उन्होंने फूड चाट रखी हुई है, समोसा वो रखे हुए हैं, जूसेस रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कम्युनिटी इफ्तार ये किन लोगों के लिए है? ये सब लोगों के लिए, रोजेदारों के लिए। अच्छा ठीक है, तो हम भी यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं आ सकते। अच्छा चलिए ठीक है, वीजा तो नहीं है। जी ठीक है, तो आपका नाम क्या है? कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वो है जो दुनिया में किसी का नाम नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम है फिर भी? मुस्लिम सरबुलंद। मुस्लिम सरबुलंद, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। नहीं जी कभी भी नहीं सुना मैंने जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर हौसलों जामिया मस्जिद में हैं और यहाँ पर एक मस्जिद की तरफ से कम्युनिटी अफ्तार ऑर्गेनाइज की गई है, तो बहुत से लोग जो हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं। हॉल जो है ये बिल्कुल जैम पैक्ड है, बिल्कुल लोगों से जैम पैक्ड है। और अभी ये हमारा अफ्तारी का इवेंट शुरू होने वाला है। यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट कम्युनिटी के काउंसलर्स और मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी अफ्तारी का इंटीग्रेटिंग कम्युनिटी का ये
جو میں نے پلیٹ فارم شروع کیا ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے. یہ سب کمیونٹیز کو وہ افطاری پہ انوائٹ کریں تاکہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر انٹیگریشن. پچھلی دفعہ چیف منسٹر سے وہ تھے گورنر کے وہ ایڈوائزر تھے. اچھا ویڈیو بنائے بھائی صاحب ٹھیک ہے سر شہزادہ صاحب بیٹھے بیٹھے کہاں ادھر آؤ تھی ہیلو جی ست سری اکال کیسے ہیں جی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک بڑا اچھا یہاں پہ ٹیبل پہ کاؤنسلرس ہیں کچھ پریزنٹ کاؤنسلرس ہیں اور کچھ ایکس کاؤنسلرس ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل کے اوپر. السلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کے؟ میرا نام سیدہ ہے میں حافظ جامع مسجد کی ٹرسٹی ہوں ماشاء اللہ. ہاں جی تو یہ کمیونٹی افطار کیوں ارینج کرتے ہیں؟ 10 ایئر سے آپ لوگ کر رہے ہو نا؟ ہم لوگ جی ہاں کافی ٹائم سے کمیونٹی افطار کر رہے ہیں. بیسکلی اس لیے کہ جو دوسرے بھی مذہب سے ہیں نا جو نان مسلم ہیں ان کو یہ فیل آ جائے کہ ماشاء اللہ روزہ کیسے ہوتا ہے, افطاری کیسے ہوتی ہے, افطاری کے ساتھ اور کیا نماز وغیرہ جو ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ سارے اسلامک ریچولز ان کو. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں ان کی نا فیلنگس بہت اوورویلمنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھے کہ آپ لوگ اتنا پورا دن روزہ رکھتے ہیں پھر شام کو ایسی گیدرنگس کرتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Thank you very much. Thank you. My name's Toby. This is Josh and Max. We're players from Middlesex Cricket and we've just delivered our participation session outside. Okay. So you're the ones who are giving training over there? We're assisting it. So, yeah. So, we were trying to, but we were assisting it, yeah. So, how do you like coming here at Community? Yeah, it's great. It looks yeah, first time. No, I think it's all of our first times here. It's a great experience for all of us. So. Thank you very much. No, it's all good. Angus, the lady would like to... Hello, hi. I would like to ask a few questions. Yes, sir. Koshka. Yeah? Hi. My name is Sobia. Sobia. Yeah, I have my... You are here from... I'm here from Middlesex County Cricket Club. We're here to sort of celebrate... Ramadan with yourself and obviously Iftar, and we're really looking forward to breaking fast this shortly. But yeah, I used to play cricket for Middlesex in England. I'm now sort of administrator. I'm sort of interim chair at Middlesex County Cricket Club, and Middlesex County Cricket Club we've got projects connecting communities, and we're using cricket to sort of bring communities together. I'm hoping to use cricket to bring communities together. And sort of yeah, just generally get involved in the community and help to improve it. Thank you very much. Thank you for your time. Pleasure, no trouble at all. کون سی میڈیا کے لیے آپ کر رہی ہیں؟ جی یہ میں میڈیا نہیں ہے, میرا یوٹیوب چینل ہے. جی جی میرا اپنا پرسنل یوٹیوب چینل ہے تو میں اس کے لیے آج کل جو یوٹیوب چینل ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ میڈیا ہے. جی یہ دیکھیں نا کتنی مشہور شخصیت آئی. جی السلام علیکم. دیکھیں آپ ایک مطلب کے لگے. جی جی آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا سارے لوگ کمیونٹی افطار کے اوپر کتنا وہ یہ رونق دیکھیں ایسا یہ کمیونٹی ہے یہ رمضان کی رونق ہے. کیسا آنٹی؟ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو؟ آئی ایم آل رائٹ فائن. السلام علیکم. السلام علیکم. He's mayor of the borough. He's community lead. What's his name? Community lead, councillor Raghwinder. Mm-hmm. Councillor Gerewal. Mm-hmm.
Councillor Shantanu Rajwan, Sadesh Farmahan. He is the deputy mayor. Okay, deputy mayor. And, okay. And yeah, and this is Samia Chaudhary. Yeah. इस वक्त हम यहाँ पर हैं इस वक्त मेयर ऑफ हाउसफो के साथ और इनसे अब हम कुछ बात पूछते हैं इनका आइडिया अबाउट कम्युनिटी अफ्तार के बारे में तो जी सर व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट कम्युनिटी अफ्तार ब्रिंग्स पीपल टुगेदर ब्रिंग्स कम्युनिटीज टुगेदर एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाउसफो where different communities and lives together with love and harmony. So I'm so pleased to see so many people today coming together from different color, caste, religion, and breaking the fast, doing the iftari in Hounslow Jamia Masjid. And thank you for taking time to speaking to me. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Hi, hi. Yeah, of course you can. So this goes to the community? Yes. Which community? This is awesome. Can I say Ramadan Kareem? Yeah. Yes, thank you. Well, what a pleasure to be among family in Ramadan, in Hounslow. With my family. Absolutely. Yeah. And to feel the support for Palestine here is very inspiring. Yes. I think they're starting the program. I love it. I love it. It's my favorite. And thank you for offering it. What's your name? Hosam. My name is Hosam Zomlot. I'm the Palestinian ambassador. During this month, suhoor and iftar are extremely significant to Muslims across the globe. Although iftar, which we... mayor of Hounslow. Yes. I see no need to be part. The diverse communities in Hounslow live together with peace and harmony. And we are electronic that we are peace celebrating the Sakhi. Happy to Sakhi to all. Happy Vaisakhi. First of all, is to someone, it's actually an organization but an individual as well. This organization has really worked very hard over the years and I've had a very close relationship with them. And from a community perspective, their views are very similar to ours. Keeping the community together, having community cohesion, really working together as a team. And we all see the faith issues are very critical. So first of all, can I invite Raghwinder Rajan from the Gurdwara, Guru Singh Gustava in Hounslow. ये इसमें दही भल्ले हैं अफ्तारी में दही भल्ले हैं फ्रूट चाट है ये पकौड़े समोसे हैं और ये किबाब है टिक्का और कबाब और साथ चटनी पड़ी हुई है टेबल पे
एक तो अफतारी इतनी जेनरस थी इनकी कि हमारा तो अफतारी से ही पेट भर गया. अब खाना इतना ज़बरदस्त और इतना जेनरस खाना है अफतारी पे. ये जी ये अब खाना आ गया. इसमें ये है आलू शोरबा, आलू गोश्त, ये है दाल, ये है बैंगन, आलू बैंगन, ये राइस है और वहाँ पे नान है और ड्रिंक्स और शरबत जो है वो ऑलरेडी हमारे टेबल पर है. वो एक तो अफतारी इतनी जेनरस थी और उसके ऊपर खाना भी देखें कितना जेनरस है. और मीठे में है ये ज़बरदस्त मल्टी कलर का जर्दा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जर्दा. गोविंद जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हॉस्टल जामिया मस्जिद में कम्युनिटी अफ्तार अरेंज की गई थी. कम्युनिटी अफ्तार, कम्युनिटी अफ्तार करने का मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, बॉरो में रह रहे हैं, उन सबको एक मिल बैठ के एक वक्त का अफ्तार है वो इकट्ठे बैठ के करें और जो है सबको पता लगे कि एज अ मुस्लिम हम लोग किस तरह अफ्तार करते हैं, किस तरह इफ्तार के बाद पूरा दिन हम रोज़ा रखने के बाद भी हर रोज़ा रखने के बाद हम लोग अफ्तार किस तरह करते हैं और किस तरह हम मुसलमानों को मेहमानों को अपने घर में वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद जो है फिर हम डिनर का अरेंज करते हैं, फिर नमाज करते हैं और अपने रिचुअल का अदा करते हैं. टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब ये देखें, अब ये तरावीह के लिए लोग आना शुरू हो गए. ओके जी.